हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि सर अपना स्ट्रेटजी बता दीजिए कि कैसे आप ये सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर किस टाइप से आप ये अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। तो उसके ऊपर फिर मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दिया जाए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मेरी स्ट्रेटजी कैसे रहती है और मैं ये सब चीज़ें कैसे मेंटेन करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो मैं ना मोस्टली टाइम पे क्या करता हूँ, दो दो टाइप से अपना ये गूगल सीट बना के रखता हूँ। एक रहता है जो मेरा जीएस के लिए होता है और दूसरा होता है वो मेरा ऑप्शनल के लिए होता है। तो ऑप्शनल के लिए एक और एक जीएस के लिए। अभी मैं मेंस का प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उस मेंस के हिसाब से जीएस का मैंने सब कुछ अरेंज कर रखा है और उसके साथ अपना ऑप्शनल। मैं मोस्टली करता क्या हूँ कि हाफ डे अपना ऑप्शनल पढ़ता हूँ और हाफ डे रिमेनिंग क्या करता हूँ अपना जीएस का करता हूँ। थोड़ा बहुत बच जाता है जो टाइम शाम के टाइम पे, ऐसा मान के चलो 5 5 आवर ऐसा, और बचा हुआ थोड़ा बहुत टाइम में करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह में पढ़ता हूँ। ओके चलो देखते हैं फिर डिटेल में इसे कि ये क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी पे कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो मैं मोस्टली स्ट्रेटजी में क्या करता हूँ कि हमेशा अपना पूरा टाइम का जो 3 4 महीने का स्ट्रेटजी रहता है वो पहले ही बना के रखता हूँ जिससे कि मुझे पता हो। सबसे पहली बात, हमें सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। यदि हमें यही नहीं पता है कि कल हमें पढ़ना क्या है तो क्या होता है कि हम अपने आप उठते हैं और जो दिल करता है पढ़ते हैं थोड़ी बहुत देर, और हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं होता है। टारगेट नहीं है तो कोई प्रेशर भी नहीं होगा डेफिनेटली। तो शुरू करते हैं। मैं ऐसा एक पूरा एक्सेल शीट बनाता हूँ, ये जीएस का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि ये पूरा एक्सेल शीट जो है इसमें मैंने पूरा डेट लिखा हुआ है। आप जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा। जैसे मैं लेके चलता हूँ ये न्यू ईयर तक, मैं ये जो मेंस का प्रिपरेशन है वो पूरा न्यू ईयर तक करूँगा। और क्या क्या करूँगा, इधर लिखा हुआ है ऑल PYQ प्लस नोट्स PYQ के 3 रिवीजन और वन कोच और किसी भी कोचिंग का 15 टेस्ट दूंगा। मैं मोस्टली विजन का प्रेफर करता हूँ, विजन के मैं लिख लेता हूँ। बाकी मैंने अभी इस क्या कहते हैं पूरे अटेम्प्ट में एक कोचिंग से भी नोट्स ले रखे हैं, तो सॉरी टेस्ट ले रखे हैं, तो उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे देखते हैं हम लोग, सपोज दैट मैंने जो टेस्ट लिया हुआ है उसको मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे सेक्शनल टेस्ट है। ये पूरा जो जो डेट हमें मैच हुआ था ना वो मैंने अपने इस पूरे स्ट्रेटजी में लिख लिया है कि कौन सा टेस्ट कब है। जैसे मान के चलो फुल मॉक जीएस थर्ड का है तो ये आपका ये नवंबर में होगा। ओके कि अक्टूबर में होगा तो ये आपको पता चल जाएगा। जैसे ये लास्ट हमारा अक्टूबर को जीएस थर्ड का और बाकी ये नवंबर में मैं इधर हूँ, बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। मैं पहले से ही मेंशन कर लेता हूँ कि कौन सा टेस्ट कब है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं रिवीजन को अपने हिसाब से इसमें प्रिपेयर करता हूँ। जैसे टेस्ट क्या है वो आपको इधर लिख लेना है और उसी डेट पे जिस डेट को है, यहाँ डेट लिखा हुआ है। और मोस्टली आपको मेंस का जीएस पेपर है तो आपको पता हो कि वीडियो कोई देखनी हो तो कोई बीट टॉपिक हो उसके लिए मैं वीडियो देख लेता हूँ। सेट गोल वीकली, अब वीकली कैसे हमें अरेंज करता हूँ मैं कि जो मेरे टेस्ट आ रहे हैं उस टेस्ट के हिसाब से मैं अपना वीकली टारगेट सेट कर लेता हूँ कि मुझे जैसे मान के चलो मैं मान लेता हूँ मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है तो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से मैं पहले क्या करूँगा इन वीक में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे लिख लूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये पढ़ना है क्योंकि टेस्ट में ये आएगा, जो जो आएगा वो पहले ही रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिकल ज्योग्राफी का, तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या करूँगा, फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ जो भी हमारा पार्ट रहेगा उसे मैं यहाँ मेंशन कर लूंगा और वो रिवाइज कर लूंगा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तीसरा मेरा कॉलम रहता है उसमें रहता है कि आपका ड्रॉ, सॉरी DAW का मतलब होता है कि डेली आंसर राइटिंग। अब PYQ का ही मैं आंसर राइटिंग मोस्टली करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा रखी है तो फिर मैं अलग इधर उधर जाके नहीं करता। तो फिर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कौन से सब्जेक्ट का, जैसे मैं बर्ड हिस्ट्री का कर रहा हूँ इसे मैंने एक उसके लिए दे रखे। फिर आगे मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ तो मैं किस मंथ का पढ़ रहा हूँ, मई का पढ़ रहा हूँ और उसमें क्या पढ़ रहा हूँ साइंस एंड टेक, वो इधर मैं मेंशन करता हूँ। केवल दोस्तों तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत सारा टाइम लगता होगा मुझे ये सब काम करने में ना, पूरा जो बता रहा हूँ मोस्टली 4 5 मिनट लगते हैं। जब आप इसका इफेक्ट देखेंगे ना ग्राफ के थ्रू तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरी है। फिर न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मैं वैसे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, या फिर जो भी आप पढ़ो वो यहाँ मेंशन कर लो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो आप यस लिख दो और नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं। यदि आपको कोई की टर्म मिल जाता है, जैसे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई की टर्म है उस न्यूज़ पेपर में आए तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो जिससे कि आप जब इसे देख रहे हो तो आपको याद आ जाए अच्छा क्या है। फिर लास्ट एक रहता है हमारा जिसे मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज या मेडिटेशन, या मैं मेडिटेशन एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ यस, जिससे कि मेरे को हेल्थ का भी याद रहे क्योंकि इतना लंबा जर्नी है, इसमें हेल्थ को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, तो हेल्थ के बारे में मैं इधर मेंशन करता हूँ।
यह मेरा जीएस का। अब मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं इधर इसके पीछे ही लगता हूँ कि क्लास कोई भी हो उसका रिवीजन होना चाहिए, पीवाईक्यू और नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा टाइम टेबल बना के रखा है, जैसे मैं भूल ना जाऊँ कि मैं मोस्टली 2 से 3 टॉपर्स की कॉपी देखता हूँ, कि मॉडल आंसर्स मैं चेक करता हूँ जो मैंने लास्ट 1-2 साल के उसमें से, जैसे कुछ, जैसे मान के चलो आप सोसाइटी है, बर्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ आप देखोगे ज्योग्राफी है, ठीक है ना। ऐसे कुछ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स रहते हैं जो मोस्टली स्टैटिक हैं, नहीं चेंज होते हैं, उनके मैं देख लेता हूँ, जिससे कि हमें समझ में आ जाता है कि कैसे स्ट्रक्चर रखना है, और फिर कुछ माल मिल जाता है जो डेफिनेशन है, या फिर कोई फ्लो चार्ट वगैरह वो मैं देख लेता हूँ, और कुछ अपने टॉपर्स का कॉपियाँ चेक करता हूँ, मतलब उन्हें देखता हूँ कि उनमें से क्या अच्छा माल था जो उन्होंने लिखा है, उनके इतने मार्क्स आए, तो वो मैं कॉपी इमिटेट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ऐसे मैं अपना जो अभी वो पढ़ रहा हूँ, क्या कहते हैं ऑप्शनल, तो उसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। अब आते हैं ऑप्शनल पे, तो मैं ऑप्शनल का भी ऐसे ही सेम टू सेम पूरा लास्ट तक बना के रखा हूँ कि मुझे ऑप्शनल का क्या क्या करना है। इस जैसे हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर ही मैं न्यू ईयर से पहले ही अपना ऑप्शनल कवर करूंगा, क्योंकि उधर मेरे को टेस्ट लिखने हैं। तो एंड ऑफ द ऑप्शनल, ये मेरा एंड हो रहा है 11 नवंबर को, तो mid 10 ईयर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के नोट्स, सेक्शनल टेस्ट, प्लस 5 FLT फुल मार्क, कंप्लीट नोट्स और टॉपर्स की कॉपी से इनसाइड लेने, और 3 रिवीजन करने, ये सब कुछ मुझे करना है, और वो मुझे 11 नवंबर से पहले करना है। तो ऐसे ही मैं बोल देता करना है मुझे, तो फिर आपको पता है कि जब मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं लिख देता कि करना है, तो मैं कभी नहीं कर पाता। इसलिए मैंने क्या किया, इधर पूरा एक एक टॉपिक लिखा हुआ है, ये इस डे में ये पढ़ूंगा, इस डे में ये पढ़ूंगा, पूरा डेट मेंशन है, और उस डे कौन सा चीज़ पढ़ना है वो सब कुछ मेंशन है। जैसे मान के चलो आज आपका देखोगे तो 7, 15, 16, ठीक है ना। जैसे आप डेट देखते जाओगे ना, जैसे 12 है, तो यहाँ मैंने स्टैक्लोजिम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ऐसे मैं इससे आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन ये मैंने एग्जैक्ट अपने हिसाब से सिर्फ बता रहा हूँ इमिटेट करने के लिए, जो है वो मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो जैसे 15 तारीख को मैं ये पढ़ने वाला था, 16 को मैं नेशनल करेक्टर स्टडी पढ़ूंगा जो हमारा एंथ्रो है उसके हिसाब से, तो मैंने क्लास का रिवीजन किया, यस, मैंने नोट मेकिंग किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया वो मुझे को पता है कि हाँ मैंने लिखा ड्यूटी कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन, यदि मैंने किया है तो यहाँ मैं लिखूंगा यस, मैंने नोट्स का मेकिंग किया था, टॉपर्स का कॉपी रीडिंग किया तो आप लिखो यस, और कौन से टॉपर्स वो मैं अभी बताऊंगा कैसे कहाँ पे क्या करना है। पी वाई क्यू डेली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऐसे क्लास के क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो लोग क्लास कर रहे हैं, या फिर पी वाई क्यू सॉल्व करने होते हैं, मान के चलो आप, जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजी का मेरा ऑप्शनल है, तो मैं 2000 से लेके 2022 तक के सारे पी वाई क्यू को लिखा हुआ हूँ, और उनका नोट्स बनाया हूँ, उन्हीं को रिवाइज करता रहता हूँ, तो मैंने मोस्टली टाइम पे लिखा है। ओके, ये 4 चीज़ें इधर ऑप्शनल में, और ये 3 बार रिवीजन करना है, ऐसे हवा में नहीं बोलने का, पूरा एक एनालिसिस लिखा हुआ होना चाहिए कि किस डे क्या करना है, पूरा सब कुछ एकदम अपने हिसाब से अच्छे से, तो आपको काम करने में पता होगा कि आज करना क्या है डेफिनेटली। तो ऑप्शनल में क्या क्या करना है, इधर में लिखा हुआ है 10 सेक्शनल टेस्ट, L2A के लगाने हैं कुछ लेवल आपके, ठीक है ना। तो ये मेरे को मोस्टली याद करने के लिए बना रहता है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, इधर उधर चला ना जाऊँ, वो 7+ जो मैं है तो 7+ पे हमेशा फोकस रखता हूँ कि सिलेबस पढ़ना है, पीवाईक्यू थीम्स राइटिंग, पीवाईक्यू पीवाईक्यू नोट्स, और ये क्या क्या करना है वो मैंने पूरा लिखा हुआ है, किस टॉपर्स की कॉपी देखनी है तो मैंने यहीं पे लिख लिया है, जिससे कि मैं इधर उधर घूमू ना, किसका देखूँ किसका देखूँ, मतलब एकदम टारगेटेड रहूँ और पहले से डिसाइडेड रहूँ कि किस किस की मेरे को कॉपी देखनी है, टॉपर्स के टॉक्स किस किस के देखने हैं जो हमारे काम आते हैं एंथ्रो में, ये मोस्टली एंथ्रो के लिए वसीम सर हैं, या अमित नारायण सर हैं, या शुभम सर हैं, रिसोर्स विच आई यूज मेकिंग, मैंने नोट्स बनाने में किन किन के रिसोर्स यूज किए हैं वो, ये सब कुछ लिखता हूँ। अब ये सब चीज़ें मैं ये करता हूँ, अब एक्यूरेट बात पे आते हैं कि मैं कितने हावर्स पढ़ा, उस चीज़ को भी टारगेट करता हूँ। सपोज दैट ये मेरा जुलाई का है, तो मैं एक साथ 7 आवर्स पढ़ा था, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को 8 आवर्स, ये सब मैंने लिखा हुआ है, जैसे 12 है तो ये मैं 10 आवर्स पढ़ा हूँ, तो इसमें ये भी लिखता हूँ वो कि मैंने पढ़ा क्या था, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया था, आज मैं पढ़ा था कल्चर पर्सनैलिटी जो एक थ्योरी है, पेपर 2 मतलब पॉलिटी वाला, मैंने पॉलिटी का सेशन पढ़ा था, और 2013 के पीवाईक्यू को देखा था, और अभी मैं करेंट अफेयर्स में मेंस 365 का एनवायरनमेंट का पोर्शन कवर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ लिखना है मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम यहाँ से पता करते हैं ना कि मैं एवरेज हावर्स कितना पढ़ा, मोस्टली देखा होगा तुम टॉपर्स कहते हैं कि एवरेज हावर 8 आवर्स से 9 घंटे ही मैं एवरेज पढ़ा हूँ, इतना बोलते हैं 8 से 9 घंटे एवरेज पढ़ा, पर आपको पता चलेगा जब आप ऐसे निकालोगे ना कि 8 या 9 घंटे एवरेज निकालने में ना बहुत मेहनत लगती है, कभी कभी 11 घंटे पढ़ते हैं, जैसे देखो मैं ये 8-9 को पढ़ा ही नहीं,
तो यहाँ पे मैंने येलो कर रखा है, तो उसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था जीरो। अब सोच रहे हो एवरेज 8-9 आवर्स निकालना बहुत टफ होता है, तो आप जब 8-10 घंटे 10 घंटे ऐसे कर पढ़ोगे, किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि आप 2-3 ही घंटे पढ़ पाओगे, 4 दिन पढ़ पाओगे। लेकिन ये ऐसा जरूरी है कि 1-2 दिन नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है, एकदम रूटीन में रहना, एकदम बिखर नहीं जाना है। इसलिए आपको पूरा एवरेज आवर्स निकालने के लिए, कि आपका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपका ग्राफ उठ ही नहीं रहा है, 4 दिन पढ़े या फिर पढ़े ही नहीं। इसलिए हमेशा ग्राफ आपका ऊपर जाना चाहिए, जिससे कि आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आता है और आप और बूस्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं, उससे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आप और अच्छे से प्रिपरेशन करने की तैयारी करते हैं, और ज़्यादा ही अच्छे से सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। जब ये आप सारी चीज़ें टारगेटेड कर रहे होते हो ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छे से कि आपकी स्टडी कैसी जा रही है, आप स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी सही दिशा में है कि नहीं है, या फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ भाई मैंने तो सब कुछ कवर कर लिया जितना चाहिए था, अब मैं देखता हूँ एग्जाम को आते ही फोड़ दूंगा, अपन अब फोड़ भी रखेगा इस एग्जाम को। तो आपको बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आता है जब ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होती हैं कि अच्छा ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो आप इसे इमिटेट कर सकते हो, ऐसी आप भी एक सीट बना सकते हो जिस पे ये सारी चीज़ें रखो, जिससे मैं ऐसा अपने दो दो 3 साल के पूरे जितना भी मेरा इसमें प्रिपरेशन का है 3 साल, उसमें मैंने पूरा ये बना के रखा, हर साल का मेरे पास रहता है कि मैं कौन से साल से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, या फिर पता चले मैं 3 साल से कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ, मेरा स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा अप जाना चाहिए हमारा ग्राफ। तो ये आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के मैं कैसे पढ़े क्या क्या कैसे पढ़ता हूँ उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड धन्यवाद।